अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, अभी आ रही हैं मेरी कुछ दोस्तें। आज का दिन भी मेरा मियाँ के बगैर है और मेरी कुछ दोस्तें आई थी। मुंह उठा के घर के अंदर ही आ गई हैं। बंदा पहले बेल देता है लेकिन नहीं, घर के अंदर ही आ गई हैं डायरेक्ट। अभी इसने गलत बात की है वो मैंने काट दी है। हमेशा की तरह व्लॉग में कोई गलत बात कर। सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? मेरा बेटा किधर है? अस्सलाम वालेकुम। आप सुबह की निकली हुई? आप पहुंच रही हैं? नहीं, मैं अभी निकली हूँ। हाय, मैं सदिंग इतना सामान इधर रखे अभी मैं उठा नहीं सकती। हाँ, मुझे पता। कैसी हैं आप? ठीक है? इतनी देर से आपका वेट कर रही हूँ, मुझे लगा आप कराची जाके बताएंगी। नहीं, बस मैं कुछ ढूंढ रही थी, मुझे वो मिला नहीं तो लेट हो गया। क्या ढूंढ रही थी? नेक्स्ट टाइम करेंगे। है ही नहीं यार, कराची में नुक्कड़ से लिखना नहीं मिल जाता, यहाँ इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। यार ऐसा तो नहीं है, ये इतनी मुश्किलों से ढूंढा है मैंने। क्या ढूंढा? मुझे बताती, मैं तुम्हें ढूंढ के देती। नहीं, मैं मिल रहा लोकेशन में भी। ये मुझे अपनी बातों में लगा के रखा जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं सही तरह कर सकी। इसी पे व्लॉग चल रहा है तुम्हारा। यार याद कराया तुमने किसी? लेकिन इसको मैंने जाने नहीं देना, मैं तो यही हूं। ये मजबूर है क्योंकि बच्चा अकेला है, तो मैं जाने दे रही हूँ। वो जो वहां पे है वो देखे, हालत देखे उनकी। थोड़ी देर इनको अकेले क्या बिठाया फैज भाई को, बोर हो गए हैं। आप वो सोच के उठ भी गए, औरतों की बातों में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। वो उठ के वजू कर रहे हैं, तजद पड़ने लगो मैं कभी रात है। या चलो खैर से जाओ और फिर जल्दी आना, दोबारा कॉल नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है? चलो चलो चलो, जाओ यार शैतान कंफर्म करी निकल गई है। कंफर्म कर रही हूँ, हमें बाहर छोड़ने के लिए आ रहे हैं ताकि हम लोग वापस ना आ जाए। हाँ, कंफर्म कर रही हूँ, जा रहे हो कि नहीं? क्योंकि तेरे जाने के, सुनो यार, ये हमारी रवायत हो गई हुई है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बातें करनी हमने। ठीक है ना शताज? ये नींद बनी है। ओके, कितने 4 घंटे बुराई करने के बाद कहते छोड़ो। हाँ यार, हम तो करते नहीं किसी की बातें, हम मिस करो, हम बहुत अच्छे लोग हैं। हेलो, हाँ जी, क्या हाल? सही बात है। नहीं नहीं, वो नहीं करना आपने। हेलो, आप सुबह तक बैठे रहे इस तरह? एक मिनट, इधर ही आ रही है आवाज। जी जी, मैं आपको अभी एक बात, ये व्लॉग भी गवा रहेगा, ठीक है? दुनिया गवाह रहेगी, शहताज गवाह रहेगी, तारीख गवाह रहेगी, माजी गवाह रहेंगी, शहताज गवाह रहेगी। क्या 12 बजे के बाद आए? पौने 2 बजे आए आप? पौने 2 बजे आए हैं? मैं जी तो रात 12 बजे का आपने कहा था, 10 घंटे पहले आया हूँ। और क्या चाहिए, ऐसा शोर मिलना कभी जिंदगी में? ऐसा नहीं मिलना बेटा, चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो अंधेरा ही ऐसे। सही बात है, चिराग लेके ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पूरा रात के 1:45 आएंगे तो अंधेरा इतना होगा, चिराग के साथ ढूंढना पड़ेगा। कॉल आ रही है, मेरा भाई नजर नहीं आई कॉल। आप आज के बाद नहीं जाएंगे, मैंने ब्लॉग में बोला था कि आप अगर लेट आएंगे तो आप नहीं जाएंगे। यार काम कर रहा था, इतने ज्यादा लोग हैं यार, उनके लिए रील बनाने गया था, कमाल का गाना बनाया, ब्लॉग पता नहीं कब आना है, रील को बना देगी। लोग का नहीं पता, लोग भी कल आ जाएगा, लेकिन परसों आएगा। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ शहरयात, है ना? अच्छा बोले ना, अभी सीखा मैंने। कह रही यार प्लीज बोर ना करो बार बार, दोनों मियां बीवी आपस में लगे हुए। वो बोर नहीं हुई, जब तक वो आप नहीं थे तब तक बोर नहीं हो रही थी। सब बहुत खुश थे। नहीं शैतान खुश है, मैं नहीं। मसला खाना ही है, क्यों भी आपके बगैर नहीं खा सकती, मसला इतना भी नहीं। वो था ना मेरे साथ रहेंगी, नहीं तो मेरी तो कोई चाह नहीं थी इतनी ज्यादा। माँ जी इससे बड़ी और क्या चाह हो सकती है कि वो खाने पे आपको ही एक्सपेक्ट कर रही। देखा माँ जी, आप मेरी साइड ले, आप उसकी साइड ले ले। तेरी खातो चेरी भूखी बैठी रही है बदतमीज। यार मैं तो बेवकूफी है इसकी, आज काम गया हुआ था। चलो आप ये तारीख ये भी गवा रहेगी कि जब मैं आपका वेट करती थी आप कहते थे बेवकूफी है। मेरी जान, आपकी इस वक्त जो कंडीशन है उसमें सबसे पहले आता है आपका बेबी। ये बहुत ड्रामेबाज है, ये पता ही करते हैं शतर। आपने खा लिया? आपने मेरे पे क्या खा लिया? आपने मुझे पूछा भी नहीं। आपको एक बात बताएं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं मुझे खाना नहीं पूछा आपने। अच्छा एक मिनट, खा लिया पूछे आज से मेरे बिना कभी मैंने मौका दिया खाना खाया? पूछ ले, मौका दिया आपने आज दिया लेकिन मैंने नहीं खाया, इससे पहले भी एक दो दफा दिया। साल में 1 साल से प्लस टाइम हो गया मैं निकाह से लेके, वो आज तक मौका नहीं दिया, तो कभी कभी हो जाता है। 1 साल से नहीं, शादी को तो हमें अभी 8 महीने हुए हैं, 9 महीने तो 9 महीने में एक बार, फिर भी वंस इन अ मून वाली बात है ये, वो देखे आप, सच की बात है।
9 महीने हो गए मुझे कुछ सरप्राइज क्यों नहीं दिया बेटा जाके इंस्टा स्क्रॉल कर स्नैप कर 9वें महीने का सरप्राइज 9वें महीने का सरप्राइज जितने लोग देख रहे हैं सबके बहुत अच्छे करें आप लोग को सेहत तंदुरुस्ती दें और आप लोग हमारे लिए भी यही दुआ किया करें। दूसरा सीन ये है गाइस कि अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपनी गोद बनाई के फंक्शन के लोकेशन को फाइनल करने। अब सीन ये है कि भाई जो वेन्यू हमें पसंद है वो बुक हो चुका हुआ है पहले ही और वो हमें नहीं मिल रहा बट लेट्स सी जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें वो वेन्यू दे दें बिकॉज आपको पता ना शहर का ये सीन है कि भाई क्या सीन है इसमें शहर का जो कह दिया जो उसको चाहिए होता है फिर उसको चाहिए होता है। अब सीन ये है कि वो कहानी थोड़ी सी चेंज हो रही है बिकॉज वेन्यू किसी ने पहले बुक किया हुआ है। अब जाके रिक्वेस्ट करते हैं देखते हैं क्या सीन है अल्लाह करे कि वो लोग मान जाए और हम लोगों को वेन्यू और लोकेशन जो हम चाह रहे हैं वही मिल जाए मतलब ये नहीं भी मिलेगी तो हम लोग अच्छा सा डेकोर दूसरी लोकेशन पे करके और बाकी तो चीज़ हमने फाइनल कर लेनी है। तो खैर बड़ा मज़ेदार फंक्शन होने वाला है और मज़ेदार बात यह है कि हमने समीर को बुलाया ही नहीं है। समीर साहब क्या सीन है आपको बुलाया ही नहीं है लड़के अलाउ ही नहीं है इवेंट पे आप क्या करना है दोनों को निकल जाएंगे मुझे भी नहीं बुलाया उन्होंने पता अरे एक दिन के लिए वरने वाला तो मालदीव चले जाएंगे सही है। समीर साहब ने मालदीव का प्लान कर लिया लेकिन मजाक कर रहे हैं कल हम लोग इवेंट पे जाएंगे खैर खैरियत से इवेंट अटेंड करेंगे और मेरी यही है कि इवेंट खैर खैरियत से गुजर क्योंकि जब इवेंट की जिम्मेदारी होती है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो रही होती है यार इवेंट अच्छा निकल जाए। लेट्स सी अभी जाता हूं और जाके आपको मेन्यू दिखाता हूं। हां जी समीर साहब मैंने कहा इवेंट आज ही कर लूं फिर सारा है ना तो आज ही करो आज ही कर लेते हैं ठीक है फिर कपड़े इतने तो नहीं ठीक बट मेरे ख्याल से सीन पता क्या है कि इवेंट आज ही कर लेना चाहिए डेकोर विकोर पहले ही हो चुका हुआ है और इस पे इवेंट कर लेते हैं लाल भाई कर ले इसी पे इनका भी खत्म होना है बंद होना है बस उसके बाद अपना कर लेंगे। लो जी डेकोर सारा हमने कर लिया और ऐसे किसी को हमने ट्राई के लिए दिया कि आप लोग कर ले अपना इवेंट उसके बाद हम लोग अपना मैं आज ही लोकेशन सबको भेजता हूँ फिर आपको 12 बजे इवेंट सूरज डेकोर यार माशाल्लाह बहुत प्यारा डेकोर है बट हमारा थोड़ा चेंज है जरा अकीका टाइप डेकोर है तो हमारा भी गोद भराइए ये भी टाइम आएगा इंशाल्लाह जल्द और अल्लाह ताला इनके भी जिनका भी इवेंट अल्लाह ताला खैर खैरियत से करे और बस अब घर चलते हैं बहुत टाइम हो गया अब सारा कुछ वाइंड अप हो गया अभी घर जाके अपडेट बाकी करता हूँ। फाइनली जो है गाड़ी बालवी सी लगी ना मैंने यार मैं कह रहा हूँ मुझे रख ले बिलाल भाई बेहतरीन राइडर हूँ मैं क्या के रमजान में है ना हम भी वेले हैं सही बात है हम सिर्फ गाड़ी चलाते रहेंगे सारा दिन आइए जी आइए कैसी हैं आप ठीक है आगाब बताया तो था पहले तू ये जो पहले बैठी थी वो भी तू सेट होकर ही बैठी थी कैसी है ठीक है तो फिर आप मेरी तैयारियों के लिए आई हैं आप बहुत अच्छी हैं मेहंदी लगानी है ना वो देखने यस मेहंदी यार पता क्या जब शहर की शादी थी मैं सबने कहा था मेहंदी लगाओ मैंने इसलिए लगाई थी कि गोद भराई में लगानी है फिर वो उतरती नहीं है ना फिर ये मसला हो जाता है जैसी शादी पे लगाई थी ना मुझे कलर बहुत आया था मेरी सास ने प्यार बड़ा करना था मेरे से माशाल्लाह माशाल्लाह कहते ना प्लीज उन्हें नजर लग जाती है आवाम माशाल्लाह प्लीज तो अभी हम ये हमारे लिए लाई थी फ्रूट्स कुछ जो कि मैं खा चुकी हूँ आधे से ज्यादा और बाकी मैं बाद में खाऊंगी रात को छुपा दी मैंने मेरे मियाँ जी को ना पता लगे गोद भराई में माजी कहती रसम ऐसी होती है गोद में रखते हैं फल उसमें से जोन सा उठा के खाएगी ना डिफरेंट डिफरेंट हाँ जी मिठाइयाँ होती है बेदाना होता है ये सारी चीज़ें अच्छा मुझे कल पता लगे बेदाना क्या होता है माजी ने बताया शक्कर पारे भी नमक पारे होते हैं वो शक्कर पारे वो छोटे छोटे होते हैं विराट कलर के होते हैं यार तू इनके जमाने की है तू चल जा खैर अब हम मेहंदी वाले का वेट कर रहे हैं जैसे मेहंदी वाला आएगा फिर आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप आ गए हम 7 बजे का टाइम देके 8 बजे कोई बात नहीं चलो भाई हमारे मेहंदी वाले आ गए हैं अब हम मेहंदी लगाएंगे लेकिन हसन कितनी देर में लगाओगे हाँ पता है बैठना बड़ा मुश्किल है ये छोटे वाले भाई को भी आती है ना बस ठीक है डन मेहंदी लगवाओ यार बड़ा मजा आएगा हाँ तो मेहंदी क्यों लग रही है देखे अब वो भी तो देखे हसन दिखाए हमने तारुफ कराया माँ जी की इतनी खूबसूरत मेहंदी लग गई है
वो भी दूर बैठी हूँ तो अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरा एक हाथ जो है मसरूफ है, तो है बाद में है। हाँ इसमें कोई शक नहीं। हसन की मेहंदी भी अच्छी है, हसन दिल से लगाता है मगरों नहीं लाता। हसन को कॉन्टेक्ट करने के लिए आप शहर का इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए ना, अब मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए आपका नंबर डायल करो 03 क्यों बताऊं 09007860601 7860 अच्छा एक और भी ऐसा कोई था ना, नहीं एक गाना वो था वो नानू का। देखिए मेरे मियाँ जी आए आते साथ ही खाना खाने लग गए, मुझे पूछा भी नहीं, मैंने कहा एक चम्मच खुद खाएंगे एक मुझे खिलाएंगे, खुद ही खा गए। मैंने खाना ही नहीं था, अब तो मैंने नाश्ता नहीं किया और मैं नाश्ता ना किया तो ऐसे ऐसा लग रहा है मैं बहुत फुल हूं कुछ ना खा के। मैंने चाय भी नहीं, तो मैंने आपको कहा था ना खाए बगैर ना निकला करो। मैंने कहा बहन अकेली खा रही है इसलिए मैं खा लेता हूं। थैंक यू। ये असद भाई क्या हुआ, घर से मैसेज आ गया बेगम का? अच्छा अच्छा नहीं माँ जी मेहंदी खराब हो जाएगी। मेहंदी वाले मेहंदी लगा के चले गए और दुल्हे वाले दुल्हन को लेके आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी लग चुकी है, अम्मा की भी मेहंदी लग गई है, पापा की भी मेहंदी लग गई है, समीर की भी मेहंदी लग गई है। लो जी बेगम की भी मेहंदी लग चुकी है। अम्मा अपनी दिखाएं, अम्मा की, ओ ग्रैंड मदर टू बी, पापा अपनी दिखाएं। ये देखे जी पापा की, ग्रैंड फादर टू बी, हुए हुए चाचू टू बी, वाह 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 वाह, सारे हाथों में मेहंदी लग गई है और मेरे हाथ वो हैं जिन्होंने इसको मेहंदी। जी जी माँ पीछे भी है, पीछे भी सब चले गए हैं, गेस्ट भी आए हुए थे, वर्ता बहन आई हुई थी, बाकी लोग आए हुए थे, सब चले गए हैं। अभी बस खाना वाना खाएंगे, आराम करेंगे बिकॉज इवेंट आ रहा है और तैयारियां बहुत ज्यादा हैं करने वाली। सो मिलते हैं आपको सुबह कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।